नमस्कार दोस्तों पूर्वांचल आयस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द अर्बन एम्प्लॉयमेंट आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अर्बन एम्प्लॉयमेंट वैज इस वक्त रिसेंटली इन द न्यूज और क्या हम डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि अर्बन हमारे रूरल एरियाज़ के लिए तो मनरेगा टाइप की जो स्कीम्स हैं वो हेल्प कर रही हैं बट अर्बन एम्प्लॉयमेंट को आ, इस लेवल पर जितना आ, जो एम जी एन आर ई जी ए जो है बढ़ाती है उस लेवल पर हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वट कैन बी डन सो हैज टू इम्प्रूवन एम्प्लॉयमेंट ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन बट बिफोर वी मूव ऑन लेटस टॉक अबाउट अ लाइक यूकर स्नेहल शैल आदित्य साफरान लक्ष्मी शिवम कपुल पल्लवी मधुबाला डीके क्लासेस निधि यादव आलोक रंजन इंडियन इकोनॉमी गोविंद सहानी दीक्षा रविशेख एंजल वंशी वंशी कृष्णा गौरव कुमार सतीश गुप्ता अमरीश यादव कपुल इन वन प्रतिमा इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच ड्यूरिंग द सेशन और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विद रिस्पेक्ट टू द वीडियोस थैंक यू सो मच गाइस ऑल द बेस्ट पूर्वांचल आयस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाई डॉक्टर रवि अग्रहारी इस लेक्चर के पी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन या फेस टू तो फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स प्रिलम्स कम मेन्स का ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा टू हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर फोर वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा फोर वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा फिफ्टीन प्रीलिम्स एंड फिफ्टीन मेंस क्वेश्चंस और इसका प्राइस रखा गया है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज प्लस एटीन परसेंट जी एस टी जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी से लेकर के आपके मेन्स एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आई एस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं ऑल्सो

employment okay so recently data center for monitoring indian economy inke dwara jo data diya gaya hai uske hisab se there is a gradual slowdown in employment recovery from the month of july okay with the latest numbers pointing to a sharp rise in the national unemployment rate from 6.51% in november to 9.06% for the month of december नवंबर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.51 परसेंट था नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर हो गया है 9.06 परसेंट सो देर इज अ शार्प राइज इन दिस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट इज सीन एज एज फार एज द डेटा बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न सो so, ये अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज में वर्क करना होगा नोट टॉकिंग अबाउट द फ्रेमवर्क दैट वी हैव रूरल एरियाज में uh, ये एम जी एन आर ई जी ए तो हमारा मनरेगा है वो है बट इन अर्बन एरियाज वी डू नॉट हैव समथिंग सिमिलर टू दैट ऐसा कहा जा रहा है एंड वॉट कैन बी पोटेंशियल थिंग uh, जो यूज किया जा सकता है इन दैट डायरेक्शन इस चीज इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश आज हम करेंगे तो इस रिपोर्ट के हिसाब से दिस रिपोर्ट द वेलबींग ऑफ गिग वर्कर्स ओके सो इस रिपोर्ट के तहत जो है वेलबींग ऑफ गिग वर्कर्स जो है वो किया जा रहा है और ये एक रिपोर्ट के बारे में हम देख रहे हैं जो कि फेर uh, uh, जो जो कि गिग वर्कर्स के लिए ये रिपोर्ट जो है वो निकली है अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें अर्बन एरियाज़ में जो गिग वर्कर्स हैं इस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके वी कैन कंपनसेट ऐसा कहा जा रहा है गिग वर्कर्स कौन है जो कि आए गए जो जॉब्स हैं वो करते हैं यानी कि ऐसे जॉब्स वो करते हैं जहां पर Uh, जो है पूरा उनका लाइबिलिटी नहीं रहता है ओके जस्ट गेट सम वर्क और उससे कंप्लीट करके उन्हें देना है तो दैट इज गिग वर्क कई लोग बहुत ज्यादा अच्छे uh, पैसे भी कमाते हैं तो इसमें कई ऐसे लोग हैं लाइक स्विगी ड्राइवर एंड ऑल तो वो uh, जो है अर्बन लेबर माने गए हैं इस तरह से तो ये भी एक तरह का गिग वर्कर ही माने जाते हैं तो इन चीजों को जो है इस तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जा सकता है और इस चीज को और बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है इससे रिलेटेड जो है एक रिपोर्ट आई थी तो उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो इलेवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस रिपोर्ट ने स्टडी किया था एंड फाइव मैट्रिक्स इस रिपोर्ट के थे जैसे कि फेयर पे फेयर कंडीशन फेयर कॉन्ट्रैक्ट फेयर

ठीक है तो लिमिटेड फिजिकल स्पेस तो अभी हमारे गवर्नमेंट को गिग इकोनोमी को एंकरेज करने की जरूरत क्या है तो गवर्नमेंट का फिजिकल स्पेस कम है यानी कि गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड अलॉट सो एज टू प्रमोट थिंग्स और फिजिकल स्पेस जो है वो कम है इसी वजह से कहा जा रहा है एंड द ग्रोइंग नीड टू द टू फ्यूल द कंट्रीज कंजम्पशन बेस ओके तो अभी हमने अपना आ, आ, पोस्ट कोविड जो है सब कुछ स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट एंड कंजम्पशन जो है वो बढ़ाना है सो दैट हर इकोनॉमी एक्सपैंड ऐसा कहा जा रहा है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसे होने चाहिए तो वह पैसे देने के लिए दे शुड बी एम्प्लॉयड ओके सो इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ही इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है तो गवर्नमेंट कर सकती है सिम्बेटिक रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स ओके okay, जहाँ पर कंपनीज को फायदा हो रहा हो कॉर्पोरेट को फायदा हो रहा हो साथ ही साथ गवर्नमेंट uh, एंड ये जो पीपल हैं जिन्हें ये जॉब्स मिल रहे हैं उन्हें भी फायदा हो तो ये कैसे किया जा सकता है और इश्यूज क्या है इससे रिलेटेड देखते हैं तो अभी फिलहाल अर्बन एरियाज के लिए एन आर जैसा कोई स्कीम नहीं है मोस्ट कंसर्निंग पर्ब्स इज फैक्ट दैट उबर ओला स्विगी जोमैटो इस तरह के जो कंपनीज़ हैं ये इस रिपोर्ट के बॉटम में आए हैं तो दैट इज़ एन इश्यू तो ये सारे जो रेगुलेशन है रूल्स है उन्हें सही तरह से गवर्नमेंट को देखना ऐसा कहा जा रहा है फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल टास्क एट हैंड रिमेन्स इवेल्युएशन आर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिग वर्क एंड वर्कर्स रिमेन्स कंस्टेंट द लिमिटेड डिस्कलोजर्स मेड बाय द्लेटफॉर्म एंड सेल्स तो किसी तरह के वैल्यूएशन इन वर्कर्स के थ्रू नहीं हो रहा है हालांकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स एंड ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स और इनके वर्क से रिलेटेड कोई भी फ्रेमवर्क सही तरीके से नहीं है और आ, इनका इवैल्यूएशन भी नहीं हो रहा है तो ये प्लेटफॉर्म्स खुद ही जो डेटा देते हैं उसके हिसाब से ही आ, सारा

जिसको वर्क चाहिए थोड़ा बाइक चलाना आता है तो इजीली जो है स्विगी या इस तरह के वर्क जो है वो कर ले टिल दे गेट ऑन देयर फीट प्रॉपरली इस तरह से प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट कैन बी एक्टिंग एज द मिडिल मैन ऐसा कहा जा रहा है इसका एग्जाम्पल्स भी देखा गया है साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ जॉब्स होगा इनको प्रमोट करने से अलॉन्ग साइड द वॉल्ट अडोप्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ओके तो ऐसे करने से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी अडोप्ट जो है वो किए जाएंगे फॉर एग्जाम्पल स्विगी जो है स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रोग्राम पी एम स्वनिधि जो uh, एक स्कीम आई थी इसके तहत किया गया है तो स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं उनके फूड आइटम्स जो है स्विगी के थ्रू बेचे जा रहे थे तो इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स को फसाई का जो है रेगुलेशन फॉलो करना होगा ये स्विगी ने एक कंडीशन रखा था जो कि इनको फसाई से कंप्लायंस दिलवा रहा है कंप्लायंट फूड जो है वो कर रहा है ग्रेट थिंग तो टू थिंग्स आर हैपनिंग वन मिल रहा है टू कंप्लायंस विद द रेगुलेशन वो हो रहा है तो so, ये चीजें विद पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ट्राइंग टू रोप इन दीज कंपनीज हो सकता है इस तरह से कहा जा रहा है राइट right? so in the previous session, we a question, tha, which among the following statement is or are correct with respect to indian constitution? privacy is a fundamental right, but not in public spaces. no, according to the supreme court, even in public spaces, privacy is a fundamental right. ai can help in tracking of vehicles with a particular color and registration number, so that is right. so 2 only is the correct answer here. thank you all the best. i hope you like this session. for any other query, you can contact us on these numbers.